वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या हम अपने आप को बदल पा रहे हैं? तो जब भी हम ये अपने आप से पूछते हैं तो हमें पता लगता है कि समय के साथ अपने आप को बदलने की भी हमें बहुत जरूरत है। एक नए परिवार में मैं वरुण अवस्थी आप सभी का जीएस गुरु एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, और इस बार इतना बड़ा करेंगे और एक वैकेंसी अपने लिए जरूर लेकर जाएंगे, ये पहले खुद से वादा करते हैं और उसके बाद इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। 29 अक्टूबर को शाम 7 बजे आपके लिए एक नई क्रांति को जन्म देने आ रहा हूं, तो मुझसे मिलना मत भूलिएगा। जैसा कि हम सभी को पता था कि अभी तक जो प्री होता था उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे और 200 मार्क्स का वेटेज होता था, जो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। प्री हूबहू वैसा का वैसा ही है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि इस बार प्री क्वालिफाइंग और मेंस का लेवल जो है वो भी पूरे तरीके से बदल चुका है। बट सबसे बड़ी बात यह है कि आपका सिलेक्शन मेंस की मेरिट लिस्ट से होगा। एक चीज और यहां पर ध्यान देने वाली है कि जो कंप्यूटर आपसे पूछा जा रहा है मेंस में, वो भी क्वालिफाइंग नेचर का है। तो जो आपसे मेंस में सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं वो 5 सब्जेक्ट है, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर। लेकिन जिनमें से 4 जो आपके सब्जेक्ट है पहले वाले कंप्यूटर को छोड़कर, मेरिट आपकी उन्हीं में से बनेगी। इस एक महीने के बीच में हम लोग किस तरीके से स्ट्रैटेजी को अप्लाई करेंगे और सारा सिलेबस अपना खत्म करेंगे मात्र 30 दिनों में, तो इस नई क्रांति से जुड़ना मत भूलिएगा कल शाम 7 बजे। इस वक्त की नहीं है बिसात और ना ये रोक पाएगा हमें इस बार, क्योंकि सुल्तान तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन सुल्तान बनने के लिए गर्दन और इरादे दोनों मजबूत होने चाहिए।